देखो लास्ट वाली जब हमने क्लास करी फिजिक्स की, तो लास्ट वाली क्लास था फिजिक्स की, लास्ट हमने ये पढ़ा कि अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या हो, और उस सूत्र में जिस प्रकार आया था अक्षीय स्थिति विद्युत धुरी की अक्षीय स्थिति में यह आया था ई बराबर वेक्टर ई बराबर 9×10⁻⁹, ये सूत्र आया था निकल कर 2P अपॉन आर की क्यूब आया था निकल कर। लेकिन आज हम समझने वाले कि विद्युत धुरी की निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का क्या सूत्र हो, आज जो अक्षय की जगह निरक्षय, और जो डेरिवेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सही बात है, डिफिकल्टी भी है और इसे करने में टाइम भी लगने वाला, इसलिए इस डेरिवेशन को बार बार पूछ सका, और वो विधायक कम से कम 5 बार के आसपास तुम बैठ कर निकालना, 4 या 5 बार तुम्हें निकालना ही निकालना है अपने हाथ से। अब समझ लो डेरिवेशन है क्या, ये भी समझ लो डेरिवेशन है क्या। डेरिवेशन ये ध्यान से समझना, ये हमारा रहा एक विद्युत धुरी, इसका नाम ए, इसका नाम बी, ये हमारा विद्युत धुरी ए बी, इस पर प्लस क्यू आवेश है और यहाँ फिर माइनस क्यू आवेश, ठीक, प्लस क्यू आवेश हुआ और माइनस क्यू आवेश हुआ, ठीक। जहाँ दो विपरीत आवेश हो, एक दूसरे के बीच की दूरी बहुत कम हो, उस स्थानीय निकाय को हम विद्युत ध्रुव कहते हैं, ये पिछले वाली क्लास में बता चुका हूँ, ठीक। अब जरा एक बात बताओ, अगर इसके बीच में एक बिंदु मान लिया, उस बिंदु का नाम हो ओ, और यहाँ तक की दूरी हमारी एल, और यहाँ तक की दूरी कितनी है एल, यहाँ तक की दूरी एल और यहाँ तक की दूरी एल, इसके बीच में एक बिंदु ओ, वो दिक्कत यहाँ तक, चलो उसके बाद हम क्या करेंगे, इस विद्युत धुरी के कारण निरक्षय स्थिति में, अगर मैं बिंदु पी यहाँ ले लूँ तो अक्षय स्थिति होगी, अगर यहाँ ले लूँ तो निरक्षय स्थिति होगी। एक काम करते हैं, बिंदु पी इस बार में यहाँ नहीं ले रहा, इस बार यहाँ ले रहा हूँ ऊपर, यहाँ हमने एक बिंदु पी ले लिया, इस बिंदु ओ से आर दूरी पर, यहाँ तक की दूरी हम आर मानना गया, ओ को नीचे लिख दिया, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी ना, यहाँ मानेंगे कितनी है आर, पहले इस दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की हम आर माननी थी कल वाली क्लास में, सही बात है, यहाँ तक यहाँ तक की दूरी आर होगी, इस विद्युत धुरी के कारण अक्षय स्थिति में आर दूरी पर इस बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, इस विद्युत धुरी के कारण निरक्षय स्थिति या कौन सी स्थिति है, निरक्षय स्थिति में कितनी दूरी पर, कौन से बिंदु पर क्या ज्ञात करनी, अब विद्युत क्षेत्र तीव्रता को कैसे ज्ञात करनी, समझ गए, यही प्रश्न है हमारा कि किसी विद्युत धुरी के कारण निरक्षय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। सवाल समझ लो क्या है, किसी विद्युत धुरी के कारण किसी विद्युत, मतलब विद्युत ध्रुव ने आया विद्युत द्विध्रुव ध्रुव के कारण कौन सी स्थिति में, निरक्षय स्थिति में, निरक्षय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करो। अच्छा, गणना करने को कैसे को व्यंजक प्राप्त करो, सूत्र स्थापित करो, गणना करो, ठीक है, क्या गलत है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करो। अब ठीक है, इसके दो रूप हो सका सवाल के, उस जो मैंने पिछले वाला सवाल पढ़ाया था ना, उसके मैंने 3 रूप लिखवाए थे, इसके भी 3 रूप हो सका, 3 रूप नहीं लिखवा रहा हूँ मैं, पहले वाला समझा था, पहले पलट का समझ जाना, निरक्षय स्थिति पूछ रहा, निरक्षय स्थिति को ना अनुप्रस्थ स्थिति भी कहते हैं, अनुप्रस्थ स्थिति कौन सी, अनुप्रस्थ स्थिति भी कह सकते हैं, ठीक, वहाँ लिख दिया मैंने, इसकी जगह से भी कह सकते किसी विद्युत ध्रुव के कारण अनुप्रस्थ स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करो। सवाल बोल के बता दोगे, सवाल समझ में आ चुका है, दोबारा फिर समझ लो, ये क्या है पहले तुम बताओ, इसके कारण, किसके कारण, विद्युत ध्रुव के कारण, बोलो कौन सी स्थिति में, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करो या सूत्र स्थापित करो। अच्छा, सूत्र किसका स्थापित करना, विद्युत विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत की तीव्रता नहीं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस पर ध्यान दे लियो, विद्युत क्षेत्र की, अब ठीक है, सही है। अब क्या करना, ये प्लस क्यों आवेश है, ये माइनस क्यों आवेश है, ये प्लस क्यों आवेश है, ये क्या है, माइनस क्यों आवेश। अब हमें क्या करना, अब हमें ये करना होगा,
पहले यहाँ ए लिख देता हूँ, इस बी को नीचे लिख देता हूँ। अब प्लस क्यों है? इसके कारण इस बिंदु पर पी पर निकाल लेंगे विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता। और ये मैंने समझा रखा है एक बिंदु के कारण विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता कैसे दूर हो। जरा एक बात बताओ, ये धनात्मक आवेश है ऋणात्मक आवेश है? धनात्मक आवेश है ऋणात्मक आवेश है? धनात्मक आवेश। धनात्मक आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता हो उसकी दिशा बाहर की ओर हो अंदर की ओर हो? चलो ये बात तो पता लगी, इसकी दिशा बाहर की ओर हो इस बिंदु पी। क्या अच्छा बी है ठीक, कोई दिक्कत? एक काम करो इधर माइनस रख लो, इधर रख लो प्लस। अब बताओ अगर मैं यहाँ माइनस रख लिया तो बताओ इस बिंदु पी पर जो विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता होगी उसकी दिशा बताओ कहाँ होगी? अंदर की ओर होगी। चलिए फिर अंदर की ओर मान लिया माइनस। हमने मान लिया हाँ इस बिंदु पी पर जो विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता उसकी दिशा अंदर की ओर है, और इसका नाम ना जो विद्युत क्षेत्र उसे हमने इवन मान लिया। इवन कितना मान लिया? अभी प्लस क्यों आवेश नहीं है? अब प्लस क्यों आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता होगी इस बिंदु पी पर बाहर की ओर होगी अंदर की ओर होगी? बाहर की ओर होगी। और मैं इसे मिला देता हूँ, जैसे इसे मिला देते हैं ना, मिला दिया हमने। मिलाने के बाद इस बिंदु पी पर इस प्लस की ओर के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ना उसकी डायरेक्शन जो दिशा होगी वो बाहर की ओर होगी। इसे हमने तो नाम ई वन दिया था, इसे नाम दे दिया ई टू, तो हमने इसे नाम ई टू दे दिया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक, तो माइनस की ओर के कारण इस बिंदु पी पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो अंदर की ओर होगी। प्लस की ओर के कारण इस बिंदु पी पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो बाहर की ओर होगी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ तक की दूरी कितनी? यहाँ तक की दूरी कितनी? जब हम एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता निकाल लेंगे तो इस दूरी की जरूरत पड़ेगी, इस दूरी की जरूरत पड़ेगी। जब एक बिंदु आवेश के कारण इस बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाल लेंगे यानी ई टू का मान निकाल लोगे तो इस दूरी की जरूरत पड़ने वाली है। अब यही दूरी तुम्हें बतानी, तो एक काम करते हैं, ये देखो समकोण त्रिभुज नहीं बनना, और समकोण त्रिभुज में एक भुजा पता और एक भुजा पता, दो भुजा पता हो और तीसरी भुजा निकालनी हो तो वहाँ पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। इतना सा ही त्रिभुज बाहर निकाल के समझा रहा हूँ। यह भुजा भी पता, यह भुजा पता, यह निकालनी, तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। इस भुजा का नाम क्या है? पी है या एपी कह दो, एपी निकालनी हम। ये कितना ओ, ओ तो अगर एपी निकालनी तो एपी बराबर बैठेगा एपी का स्क्वायर बराबर, देखो ये तो कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण क्या है एपी, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब कितना आर, आर का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार क्या है एल, एल का स्क्वायर। ये बचपन में पढ़ा था मैंने कि कर्ण का स्क्वायर बराबर हो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर ही तो, अब स्क्वायर इधर जाकर बन जाएगा रूट। हमें तो एपी का मान निकालना, एपी स्क्वायर का मान थोड़ा ही निकालना, आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर। अब यूँ कह दिया दो तो रूट कट जा, वो जब कटा जब यहाँ प्लस ना होता इतना ही रहेगा एपी का मान आया। अच्छा जितना एपी का मान आया इतना इसका मान आएगा, क्योंकि यहाँ भी एल और आर दोनों सेम, जितना इसका मान होगा इतना इसका मान होगा। तो यहाँ तक लेके यहाँ तक की दूरी पता लग चुकी मुझे, कितनी आई रूट, रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर भी कह सकते, ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कैसे कह दो, इतनी बात बताओ समझ में नहीं है। जितनी दूरी आओगी इतनी आओगी, कितनी बैठी बताओ, रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ तक बताओ इस चित्र में कोई दिक्कत है क्या, कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ क्यों आ रही है, सब सब पता लग गया, पता लग गया। यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ तक की एल, यहाँ तक की कितनी है, और ये पूरा है क्या है, यहाँ तक लेके यहाँ तक ए बी, ए बी क्या है विद्युत ध्रुव। हमें क्या याद करना, विद्युत ध्रुव के कारण निरक्ष स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। इतनी बात बताओ समझ में नहीं है, यहाँ तक की दूरी पता लग गया कैसा ही है, वही बात इसीलिए मैंने साइड में समझाया ताकि दूरी समझे, जितनी दूरी होगी इतनी दूरी होगी, क्यों होगी, यहाँ एल और आर समान है, अगर हम एल आर समान होगा तो फिर यह दूरी इतनी आएगी, जितना ए पी का मान होगा इतना ही बी पी का मान होगा। ठीक, अब इसका आंसर, आंसर कैसे चलेगा समझो। सबसे पहले जो चित्र के अंदर मौजूद है ना, चित्र के अंदर मौजूद है उस चीज को मैं लिखना शुरू कर दूंगी, क्या मौजूद है ये भी समझ लो, ए बी एक विद्युत ध्रुव है तो लिखेंगे माना ए बी एक विद्युत ध्रुव है, विद्युत ध्रुव है, अगर बोर्ड में नंबर लेने का ऐसे लिखना पड़ेगा। माना ए बी एक विद्युत ध्रुव है जो
के प्राविद्युतांक वाले जो वायु में स्थित है, वायु में स्थित है, जो वायु में स्थित है, ऐसे लिखना, वायु में स्थित है। अच्छा, जब वायु में स्थित हो स्थित, ठीक है, क्या कैसे बनो, स्थित इतना ही है, तुम्हें पहली बार देख रहा ऐसा वर्ड यार, ऐसे बनो, ऊपर नहीं बनेगी मात्रा नहीं, ये सही है, वो हिंदी की डेंजरस चीज है, इंग्लिश में बढ़िया पोजिशन चक्कर में पड़ना, जो वायु में स्थित है, अच्छा वायु में स्थित है, चलो वायु में स्थित है, अच्छा वायु में स्थित होगा तो परावैद्युतांक इसका एक हो जाएगा, वायु का परावैद्युतांक एक हो, भी पहले बताया था, माना ए भी एक विद्युत ध्रुव है जो वायु में स्थित है, हमें क्या याद करना, हमें इस विद्युत ध्रुव के कारण, विद्युत ध्रुव के कारण बिंदु ओ से आर दूरी पर बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, हमें क्या करना, लिखेंगे हमें, हमें बिंदु ओ से आर दूरी पर बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ये करना हम, उसके बाद चलो ये तुम्हें करना ही, उसके बाद क्या करोगे, अब यहां लिखें इसके लिए ज्ञात करने के लिए, यानी इसके लिए, इसके लिए We know that, ऐसे लिखना we know that, अब हम क्या जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि एक बिंदु जो आवेश हो ना, एक बिंदु आवेश हो, इसके कारण जो बिंदु पी पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, इस आवेश के कारण इस बिंदु पी पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसका जो मान होगा वो बताने जा रहा हूँ। अब बताओ एक बिंदु आवेश के कारण जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हो उसका सूत्र तुम आराम से जानते हो, ये सूत्र हो ई बराबर, पिछले वाली क्लास में बताया था ई बराबर 1/4πε0। अच्छा इस पर माइनस क्यों, ऐसे कारण जो बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसका नाम ई1 नहीं है, तो मैंने ई1 रख दिया, ई1 बराबर 1/4πε0, 4πε0 इंटू क्यू, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ बताओ यहाँ तक लेके आता की दूरी कितनी, यहाँ तक लेके आता की रूट और कहाँ रूट नहीं है क्या, रूट एल स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर और पूरे का क्या कर देंगे होल स्क्वायर, जो उसका मतलब ठीक, दो तो क्या कट जाएगा, मतलब दो तो क्या कट जाएगा रूट, तो ई वन बराबर बताओ कितना बैठेगा, ई वन बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन एल स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर, समीकरण कितनी मान लेंगे इसे एक, या तो कोई दिक्कत, किसका मान निकल गया इवन का, बिंदु पी पर जो इवन का मान है ना वो इतना ठीक। अब प्लस क्यों ऐसे कारण निकाल लेंगे, प्लस क्यों ऐसे कारण, अच्छा यहाँ तो तुम चाहे तो लिख भी सको, यहाँ लिख सकते हो माइनस क्यों ऐसे कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ लिख सकते हो माइनस क्यों ऐसे कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इवन बराबर ऐसा लिख देना, अच्छा नंबर मिलेगा। अब यहाँ प्लस क्यों ऐसे कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ लिखेंगे इसी प्रकार प्लस क्यों ऐसे कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जब भी उतारोगे तो ऐसे लिखना, तो ई टू बराबर बताओ क्या बैठा होगा 1/4πε0 इंटू कितना बैठा होगा बताओ, क्यों अपॉन बोलो सेम पीस बैठ जाओ, तो क्या दिक्कत हो रही, आर स्क्वायर सॉरी एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या दोनों पहले किसी को लिख लो पूरे का होल स्क्वायर, दो तो फिर रूट कट जाएगा, तो ई टू बराबर आ जाएगा हमारा 1/4πε0 क्यू अपॉन
एल स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर और समीकरण दो। बताओ इवन और ई टू का मान बराबर नहीं आया क्या? बराबर आया नहीं आया। लेकिन सवाल है मेरे पास कि इवन जो इवन का मान है मेरे पास ई टू का मान है। जब बिंदु पी पर दो परिणामी तीव्रता हो ना, दो सदिश राशियां, तुम ये तो बात तुम्हें पता ही, यह भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो बार हो और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि, और सदिश राशि को हम डायरेक्ट जोड़ सकते, कभी इवन प्लस के ई टू कर दो, ऐसे नहीं करना ना। दो सदिश राशि को जोड़ने के लिए हम समांतर चतुर्भुज के नियम का पालन करते हैं। अगर तब तो जोड़ सको जब दोनों सीधी रेखा हो, जब दोनों सीधी रेखा हो, मान लो एक इवन इधर है और जब ई टू इधर है, यहाँ बिंदु पी है, तब तो जोड़ सको इवन प्लस के ई टू, एक ब्रैकेट में माइनस में ले लो, ऐसा तो कर सको। लेकिन अगर उनके बीच में कुछ भी कोण बनना हो, मान लो इनके दोनों के बीच में कोण बनना है, इस कोण को मैंने थीटा मान लिया, कितना मान लिया थीटा, तो इनके बीच में जो इनके बीच में एक रेखा जागी और वह इन दोनों को जोड़कर आ गई, यानी इवन ई टू का मान होगा पता कितना होगा, ई होगा। इवन जो ई टू का मान होगा कितना होगा, ई। इसे हम समांतर चतुर्भुज नियम बोलते हैं, इसे कंप्लीट कर दोगे समांतर चतुर्भुज बन जाएगा, एक दो तीन चार, चार भुजा बन जाएगी। समझ की बात, ई का मान निकालना हमें। तो दो सदिश राशियों को हम कैसे जोड़ते हैं, यह बात मैंने पिछली क्लास में बता रखी, दोबारा फिर बता रहा हूँ कि दो सदिश राशियों को हम कैसे जोड़ते हैं। तो दो सदिश राशियों को जोड़ने के लिए ना हम समांतर चतुर्भुज के नियम का पालन करते हैं, इवन में ई टू जोड़ना, तो यूं नहीं है इवन प्लस ई टू कर दोगे ना, समांतर चतुर्भुज के नियम का पालन करना पड़ता। वो समांतर चतुर्भुज का नियम क्या है वो भी अब देख लो क्या है। इवन ई टू को बस इतनी बात याद रखें, डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, ठीक। यहाँ लिखेंगे बिंदु पी पर परिणामी तीव्रता, यहाँ तो दो तीव्रता आएगी, एक इवन आएगी एक ई टू आएगी, परिणामी तीव्रता निकालनी, कुल तीव्रता निकालनी, सबको जोड़ को जो एक अकेली तीव्रता निकालनी, और उसका मान ई होगा। और वो कैसे जोड़ेंगे, इवन में ई टू, समांतर चतुर्भुज के नियम से, ठीक। यहाँ देखते हैं, अतः बिंदु पी पर, अतः बिंदु पी पर परिणामी तीव्रता या कुल तीव्रता, परिणामी तीव्रता या कुल तीव्रता, परिणामी तीव्रता ई बराबर ना, वो थोड़ा ये इस सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा बेटे, रूट इवन का स्क्वायर प्लस ई टू का स्क्वायर प्लस टू इवन इंटू ई टू कोस थीटा, ये लिखवाया था पहला एक दिन, याद करो कि दो अगर अगर दो सदिश राशि जोड़ना हो ना तो इसका समांतर चतुर्भुज के नियम का पालन करना पड़ता है। जब मैं स्टार्टिंग फिजिक्स पढ़ा था ये तब लिखवा था फॉर्मूला, ई बराबर रूट इवन का स्क्वायर प्लस ई टू का स्क्वायर प्लस टू इवन ई टू कोस थीटा। लेकिन इस सूत्र में हमने एक ही खास बात समझी, क्या इवन का मान और ई टू का मान बराबर, जब इवन का मान ई टू का मान बराबर तो इवन की जगह ई टू लिख सकते हैं, यहाँ साइड में लिख सकते हैं हम, चूंकि इवन बराबर किसके, ई टू के, तो जहाँ जहाँ भी इसमें ई टू आ रहा है ना उसकी जगह ई टू की जगह क्या लिख सकते हम, इवन, या इवन की जगह ई टू लिख दो। तो एक काम कर लो, भरना स्टार्ट कर दो, ऐसे सजाओ थोड़ा सा, आ जाओ ई बराबर कैसे बैठा, देखो कैसे बैठा था, इवन का स्क्वायर प्लस, तो ई टू लिखने का मैं यहां से, मैंने कहा ई टू की जगह क्या लिख देना इवन, ई टू की जगह इवन पता लगा क्यों लिखा है, क्योंकि इवन का मान और ई टू का मान बराबर है, ऊपर देख सकते हो प्लस, क्योंकि दो नहीं आए। अच्छा एक बात बताओ, अगर एक अगर मैं ई टू की जगह क्या लिखना, ई टू की जगह क्या लिखना मुझे, अगर मैं इवन इवन लिखूंगा तो इवन की गुणा नहीं हो जाएगी, जब गुणा हो जाएगी तो स्क्वायर आ जाएगा, तो बैठेगा टू इवन स्क्वायर कोस थीटा, यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत है, ऐसे एक एक इवन स्क्वायर एक इवन स्क्वायर, तो कितने इवन स्क्वायर जाएंगे, दो इवन स्क्वायर, यहाँ देखो ऐसा दिखाई देगा, देखो ई बराबर डेंजर से बहुत, ई बराबर एक इवन स्क्वायर दो इवन स्क्वायर, दो इवन स्क्वायर प्लस यहाँ दो इवन स्क्वायर इंटू कोस थीटा, यहाँ तो बता दो किसी को दिक्कत है, पता लग गया क्या हुआ, एक इवन स्क्वायर में एक इवन स्क्वायर जोड़ दिया, दो इवन स्क्वायर होगा, वेक्टर लगाओ लगाना चाहो लगा लो, रहने तो रहने दो, बाद में लगा ली कोई दिक्कत नहीं है, दो इवन स्क्वायर ये दो इवन स्क्वायर कोस थीटा सेम। ऐसी चीज बताओ जो एक कमरा हो और ये भी एक कमरा, ऐसी चीज बताओ जो दोनों में हो, दो इसमें भी दो इसमें भी, इवन स्क्वायर इसमें भी इवन स्क्वायर इसमें भी, कॉमन ले लो, ई बराबर बैठेगा रूट दो इवन का स्क्वायर ब्रैकेट बैठेगा नहीं बैठेगा, अब बताओ कितना बैठेगा, जब सेम चीज को मिले तो कितना, वन प्लस
इसको भर ले लिया पूरा का पूरा, कितना बैठेगा कोस थीटा, इतनी बात बताओ समझ नहीं है वो दिक्कत यहाँ तक। चलो एक काम करो, थोड़ी सीढ़ी से हो जाएगी यहाँ तक लेके, यहाँ तक का नोट करो, नोट करो यहाँ तक। अब अभी नहीं आयो, अभी तो बहुत लॉन्ग है, इक्का करवा रखा ना तो फिर गलत करवा रखा। सुनो हाँ, सबसे लॉन्ग मेथड वही तो घटक के रूप में बता रखा उन्होंने, लंबा दो तो साइन लगा, उन्होंने पता नहीं क्यों लग रहा है साइन, लंबा दो तो साइन लगा। देखो कैसे करना है इसे। अच्छा ये बताओ, अगर दो सदिश राशि को जोड़ोगे तो उनके बीच का कोण पता होना चाहिए। तो यहाँ दो सदिश राशि, एक तो ई वन है एक ई टू, इनके बीच का कोण कितना पता दो। कहाँ थीटा तो यहाँ कोण है, थीटा तो ये हो रहा कोण। अगर ये कोण थीटा तो ये कोण भी कितना होगा, थीटा नौवीं क्लास में पढ़ा है। अगर ये कोण थीटा ना तो ये कोण भी थीटा होगा, ये कोण थीटा ना ये कोण भी थीटा होगा, ये नब्बे क्लास में पढ़ा था एकांतर कोण हो। अच्छा अच्छा जब ये कोण थीटा तो ये कोण भी पढ़ा थीटा होगा, ये क्यों, ये भी नब्बे क्लास में पढ़ा था, दस नब्बे दसवीं क्लास में पढ़ा कि ये कोण और ये कोण हमेशा बराबर हो, ये वाला कोण हमेशा बराबर हो। सही बात, अगर दो दो मान लो एक रेखा बिल्कुल जा रही है अगर बीच में से काट दो, अगर ये कोण तीस है तो ये कोण भी तीस होगा। अगर ये कोण थीटा है यहाँ से तो ऊपर वाला कोण भी कितना होगा थीटा। जब एक थीटा, अब हम करना क्या है, यहाँ वो कोण लिखना, पता कौन सा कोण लिखना है यहाँ से थीटा की जगह, जो ई वन ई टू के बीच में। अब बताओ ई वन ई टू के बीच में कितने थीटा, तो हमें एक थीटा क्यों लिख रहे हैं, तो कितना थीटा लिखेंगे हम यहाँ, दो थीटा। हमें एक थीटा क्यों लिखा है यहाँ से, तो कितना थीटा लिखेंगे हम यहाँ, दो थीटा। हमें एक थीटा क्यों लिखा है यहाँ से, कितना थीटा लिखेंगे, दो थीटा। हम एक थीटा क्यों लिखे हैं, चलिए यहाँ तक तो ठीक है, सूत्र सूत्र था ना, तो इसके बाद यहाँ तक। अब दिमाग में घुस गई बात क्या हुआ, अरे भाई ये ई वन ई टू है, ई वन ई टू थे हमारे, तो ई वन ई टू के बीच में कितने थीटा, तुमने खुद ही कहा तो दो थीटा, दो थीटा कर दिया। अब बचपन में ना थोड़ा सा मैथमेटिक्स सीख लो, जाओ मेरे बापू ने सिखाया था बचपन में, क्या सिखाया था समझ लो, जब कोस थीटा हो ना तो कोस थीटा का सूत्र हो कोस टू थीटा का, कोस टू थीटा का सूत्र हो कोस के पदों में, टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस के बनिए सूत्रों, इस कोस थीटा की जगह ये वाला सूत्र लिख देंगे। मैंने कहा ना प्रैक्टिस करनी, बिना प्रैक्टिस कोई नहीं कर सकता सर, जो बच्चा घर जाकर पांच बार नहीं निकाल लेगा ना उसको कभी नहीं आने का, और जाकर जाएगा पेपर में, और दोनों में तो एक डेरिवेशन पक्का पेपर में, बोर्ड में तो पक्का ही, कभी कटता ही नहीं। जो क्या है दो, जो क्या है ई वन का होल स्क्वायर ब्रैकेट वन प्लस कोस टू थीटा की जगह लिख सकते हैं टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस के वन, टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस के वन, ये कहाँ से लिख दिया, ये गणित का सूत्र, ये कक्षा ग्यारह में पढ़ाया जा कि कोस टू थीटा की जगह हम इसे लिख सको, तो कोस टू थीटा की जगह लिख सको टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस के वन। और ये भी सिखाया था मैंने कैलकुलेशन ही कर, क्लास एक प्लस का एक माइनस का तो कट जा, और ये भी मैंने बता रखा तुम्हें कि दो की दो में गुणा भी हो जा। अच्छा जब दो की दो में गुणा हो जाएगी ना तो बैठा कितना चार, इवन के ऊपर भी स्क्वायर और कोस थीटा के, देखो दो की दो में गुणा कितना है चार, एक तो एक कटेगा था इवन के प्रवेश कर रहा है कोस थीटा का प्रवेश कर रहा है, तो बैठा था इवन, पहले इवन लिख दो, इवन कोस थीटा अब राइट में लिया, अब पूरे का पूरे होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों पर ऊपर होल स्क्वायर था मैंने एक के ऊपर स्क्वायर लगा लिया। ठीक अब क्या करेंगे, चार का रूट तो जाएगा दो, और इस तो दो तो रूट कट जाएगा, ऐसा दिखाई देगा इवन ई बराबर E बराबर बताओ क्या जाएगा, चार का रूट कितना जाएगा, चार का रूट दो, ये क्या बैठेगा यहाँ से, इसका तो रूट कट जाएगा, तो रूट कट जाएगा क्या बैठेगा E1, क्या बैठेगा cos थीटा। यहाँ तक बताओ सब दिक्कत होगा, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है पूरे सवाल में, कहाँ दी दिक्कत, समझ में आ रहा सारा, देख लो देख लो, पता लग गया ना E1 कहाँ था, कहाँ था ऊपर तो आ रहा, और कहाँ था चार बता दो, कहाँ था चार, इवन की टू में गुणा करके चार आया, स्क्वायर नहीं खुला, दो की दो में गुणा करके चार आया, स्क्वायर कहाँ खुला, स्क्वायर तो केवल इवन के ऊपर नींद हूँ, देख दो की दो में गुणा करके कितना आया चार, इवन का स्क्वायर जुगा तू कोस स्क्वायर थीटा जुगा तू, इसके पर स्क्वायर था इसके पर स्क्वायर था दोनों के पर स्क्वायर लगा लिया, जो करा और क्या करा, दो तो रूट कट गए, तो रूट कट गया तो जुगा तू बच्चे लगाओ, और चार का रूट हो ना, जो चार का रूट दो हो, जब चार को रूट से बाहर निकाल लेंगे दो जाएगा, बच्चों ने पढ़ाया जाए
मेरे पापू ने सिखाया था बचपन में, ये क्या है दो, ये इवन, ये क्या है कोस थीटा। अब हम क्या करेंगे, इवन का मान ढूंढेंगे, कहीं इसमें इवन का मान है है जी, इवन का मान है लेकिन कोस थीटा का मान नहीं है, तो कोस थीटा का मान है यहाँ तो मन नजर नहीं आने का, कोस थीटा का मान इस त्रिभुज में नजर आ रहा है, और कोस थीटा का मान निकाल लेंगे। और कोस थीटा का मान कैसे निकाल ले, कोस थीटा का मान ऐसे निकाल ले, अगर कोई त्रिभुज को ध्यान से देख लो अच्छे तरीके से, कोस थीटा का मान कैसे निकाल ले, बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, यहाँ तक की दूरी कितनी है एल, यहाँ तक की दूरी कितनी है आर, जो क्या है थीटा, कोस थीटा बराबर क्या सूत्र हो, कोस थीटा सूत्र हो आधार बटे कर्ण, यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ तक की दूरी है, इस चित्र को मैंने यहाँ करके जूम करके बनाया गया एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब कोस थीटा का मान कैसे निकाल लेंगे, देखो कोस थीटा, तो कोस थीटा बराबर हमारे सूत्र हो, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, इसमें आधार क्या है एल, ये हमारा आधार हो और ये क्या है हमारा कर्ण। अब देखो कोस थीटा बराबर सूत्र बैठा है, कोस थीटा बराबर ए, ए का मान आधार, आधार का मान कितना एल, कर्ण का मान बताओ, कर्ण का मान कितना, कर्ण का मान रूट एल का स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर, ये किसका मान निकाला हमने, कोस थीटा का। इवन का मान है हमारे पास, हाँ इवन का मान है हमारे पास, पीछे देख लो इवन का मान कितना बताओ, इवन बराबर वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, या एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, की मतलब दो में दो जोड़ो, दो में तीन जोड़ो, दोनों मानोगे। अब ये मान पता लग गया है कोस थीटा कैसा हुआ, स्कूल नहीं है जो ठाकुर की लंबत में कोस लगा, लंबत क्षितिज में कोस लगा दो, इसमें लंबत में साइन लगा दो, सही बात है, चीज किसी भी चीज़ को जो समझाई गई टाइम लगेगा, जब मैं सिलेबस पढ़ाऊँ उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि बड़ी चीज़ पढ़ने के लिए टाइम लगेगा, बड़ा काम करने के लिए भी टाइम लगेगा, समझ में आया बात है। इसलिए कोई भी चीज़ समझो तुम्हारी एक्सेस तो बाहर नहीं है, परिधि तक ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे तुम समझ नहीं सकते, और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे मैं समझा नहीं सकता, इस बात को दिमाग में धारण कर लो, समझ में आया बात है, चाहे कितनी हार्ड चीज़ हो, कितनी बड़ी पढ़ाई है, कितनी बड़ी, आराम से समझो। ई बराबर, ई बराबर, अब देखो यहाँ दो तो चुकौती लिख रहा नहीं देंगे, अब हम ब्रैकेट में इवन का मान लिखेंगे, अब बताओ इवन का मान कितना, इवन का मान बताओ वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लिखो, चलो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, बात तो आई है, किसका मान लिखा है अभी तक हमने, दो तो चुकौती रख रहा दिया, इवन का मान लिखा है, अब किसका मान लिखेंगे, अब बताओ कोस थीटा का मान कितना, एल बटे बताओ एल बटे रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लिखो, सही है आंसर, पता लग चुका, गौर से समझना प्यार के साथ। अब क्या करना, इसे यहां को देखना, कोस टू थीटा बराबर टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस के वन, अब क्या करना, अब ये करना ध्यान से समझना, क्या करना, जो रूट हो ना रूट, कैलकुलेशन की क्लास में बताया था रूट का मतलब हो एक बटा दो, कितना हो एक बटा दो, तो ई बराबर, अब देखो कैसे दिखा देगा, ई बराबर दो के एल में गुणा कर दो, तो बैठेगा यहाँ बैठेगा देखो वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू गुणा, दो के एल में गुणा करेंगे बैठेगा दो एल पूरे के बटे आर स्क्वायर, यहाँ बताओ इसकी घात कितनी है, यहाँ से एक नहीं है, यहाँ कितनी, एक बटा दो, तो जो चीज़ सेम हो ना उसे लिख दें एक बार आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर, इसे कितनी बार लिख देंगे एक बार, यह भी चीज़ सेम है, यह भी चीज़ सेम है, एक बार लिख देंगे, यहाँ घात कितनी एक, यहाँ घात कितनी एक बटा दो, एक में क्या जुड़, गुणा में घात जुड़ जाती है, मैंने समझा रखा तुम्हें, जो चीज़ सेम होगी उसे एक बार लिख दो, गुणा में घात जुड़ जाए, यहाँ घात एक है, यहाँ एक बटा दो, एक में एक बटा दो जुड़ जाएगा, अब बताओ एक में एक बटा दो जोड़ेंगे, एक एक में जब एक बटा दो जोड़ेंगे तो दो एकम दो और एक तीन बटा दो, तो इसमें घात में घात जोड़ जाएगा तीन बटा दो, अब बता दो तीन बटा दो समझ में आया नहीं, यहाँ एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दो की एल्बम गुणा करी दो एल आया, क्यों जुगा तू वन अपॉन फोर का एप्सिलॉन नॉट, जैसे आता वैसे ही है, जो चीज़ सेम होती है उसे कितनी बार लिख देते हैं एक बार, यहाँ घात कितनी एक, रूट का मतलब कितना हो एक बटा दो, तो गुणा में घात जुड़ती नहीं, जब गुणा में घात जुड़ेगी तुम्हें बताओ एक बटा दो में जब एक जोड़ दोगे, एक बटा दो में एक जोड़ दोगे तो तीन बटा दो नहीं जाएगा, तो तीन बटा दो आ गया, समझ गए, जब तीन बटा दो आ ही गया, अब जरा मुझे एक बात बताओ, इसमें
आर बड़ा कि एल बड़ा? एल कौन सा? नींद चढ़ रही थी तुझे, लेकिन राम ने पहले ही दिखा था इनके बीच की दूरी बहुत अल्प हो, और यह तो अल्प मतलब अल्प, अल्प का मतलब वो कम, यह तो दुष्मति वैध थी, इसका मतलब आर बहुत बड़ा और एल बहुत छोटा, और एल न इतना छोटा, ये एल है न, ये हमारा एल छोटा 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 बहुत छोटा बहुत छोटा बहुत छोटा बहुत छोटा, किस तरह आर से इतना छोटा कि शर्म शर्म आने के बावजूद एल स्क्वायर को हम त्याग दें, एल स्क्वायर की जगह जीरो लिख देंगे, इतना छोटा कि एल है ही नहीं, किसके रेस्पेक्ट में नहीं है, आर के रेस्पेक्ट में, क्योंकि आर बहुत बड़ा, हम तुलना कर रहे हैं आर से, जिससे तुलना करेंगे उसके सामने बहुत छोटा, कहने लगे तुम बच्चे हो बारहवीं क्लास के, तुम कहने लगे तुम मेरा मुकाबला करोगे पढ़ाई का, सही बात यह, तो इसका मतलब तुम मेरे रेस्पेक्ट में पढ़ाई का जो मुकाबला करने की कोशिश करोगे ना, बहुत पीछे बहुत पीछे बहुत पीछे 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 पीछे, इतना छोटा कोई मतलब ही नहीं है, जीरो, सही बात है, नाखून के बराबर, नाखून तो कुछ हो भी उससे भी नीचे, सही बात है, ठीक। तो एल स्क्वायर और आर स्क्वायर, तो एल बहुत छोटा बहुत छोटा बहुत छोटा बहुत छोटा, तुम बहुत छोटे बहुत छोटे बहुत छोटे मेरे से, आर आर बहुत बड़ा, बस वही, इसलिए हम तुम्हें क्या मानने लगे, नगणी मानने लगे, नगणी है नंगे नहीं, नगणी है नंगे, क्या नंगे, नगणी है, निग्जिबल, निग्जिबल कर देंगे, निग्लेक्ट कर देंगे उसे, त्याग देंगे उसे, जैसे निग्जिबल कर दोगे त्याग दोगे उसकी जगह जीरो लिखोगे, मान लो कबीरा यहाँ जीरो, ठीक, कबीरा ने क्या मान लिया यहाँ, और जब से यहाँ जीरो मान लोगे तो इसकी पावर तीन बटा दो नहीं आ जाएगी, और दो से क्या घट जाएगा फिर, दो पावर में कितना जाएगा, तीन, दोबारा फिर समझ लो भाई, ये आर स्क्वायर है, बस आर स्क्वायर तो बच गया, अब पावर में बताओ कितना बचेगा, पावर में तीन बटा दो, तो दो 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 नहीं घट जाएगा, बताओ आर की पावर कितना बच जाएगा, तीन, तो अब पूरा सूत्र देखो ऐसा दिखाई देगा, ये पोर्शन बिल्कुल सेम, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इन टू, ये क्यों गुना ट्वेल्व है, बताओ बचपन में मेरे बापू ने पढ़ाया था, क्यों गुना कितना ट्वेल्व बराबर, इसकी जगह पी लिख सकते, पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था बापू ने बचपन में, कहाँ पढ़ाया था, बचपन में, अब बूढ़ा पैरा घर पर, यहाँ कितना बैठेगा, इसकी जगह पी आ जाएगा, अच्छा जब इसकी जगह पी आ जाएगा, क्योंकि इसकी जगह पी लिख सकते, पी का नाम ही तो विद्युत द्रागुण हो, अब यहाँ बताओ यहाँ दो तो दो नहीं कट जाएगा, ये तो भैगी गया था, दो तो दो कट गया, बताओ आर की पावर पर कितना जाएगा, तीन, इसकी तो तलाश थी मुझे, इसकी तो तलाश थी मुझे, ये तो वो सूत्र जो परेशान कर रहा था, सही बात है, ये सबसे इजी मेथड है, दूसरा इसे समझना बहुत आसान है, नहीं तो स्कूल में और कॉलेजों में ऐसी की तैसी कर दे इस मेथड के मामले में, और जब हम निरक्ष स्थिति विद्युत दक्षिण तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं, और ये सबको बता, अक्षय वाला भी सब करवा देंगे तुम्हें, निरक्ष वाला भी सब करवा देंगे, अब कौन सा सब नहीं करवाने के, वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा, हम कहने लगे चलो यहाँ तो या तो अक्षय स्थिति, या यहाँ ले लो या भी निरक्ष स्थिति, या तो निरक्ष स्थिति या निरक्ष स्थिति, यहाँ अक्षय स्थिति होती, मैं कहने लगा यहाँ निकाल के दिखाओ विद्युत दक्षिण तीव्रता, किसी बिंदु पर निकाल के दिखाओ, फिर समस्या खड़ी हो जाएगी, अक्षय वाला सबको पता अक्षय स्थिति विद्युत दक्षिण तीव्रता होगी, निरक्ष स्थिति वाले सबको पता रहा होगी, दोनों रट कर रखा सब सवाल है, व्यापक स्थिति में निकाल के दिखाओ, व्यापक स्थिति में कहीं भी निकाल लो, यहाँ निकाल के दिखाई करे, फिर डायग्राम कैसे बनेगा, इसी विद्युत के कारण कहीं भी निकाल लो विद्युत दक्षिण तीव्रता, वो भी मैं सूत्र लिखाऊँ, उस सूत्रों में सिद्ध नहीं कर बनेगा, लिखाऊंगा हाँ यो हो कंपिटिशन में काम आ जा, मान लो हम कह रहे हैं अभी तो हम पता कितने डिग्री कोण पर निकाल लिया हमने, जो 90 डिग्री कोण पर निकाल ला, जब 90 डिग्री कोण पर निकाल ला तो ये हमारी विद्युत दक्षिण तीव्रता, अगर हम 180 डिग्री कोण पर निकाल लो तो अक्षय स्थिति हो जा, 90 डिग्री कोण पर निकाल लो तो निरक्ष स्थिति हो जा, अगर हम 30 डिग्री कोण पर निकाल लो, 30 डिग्री का मतलब यहाँ को निकाल लिया जाएगा, फिर क्या करोगे, फिर तड़प जाओगे, फिर कैसे निकाल लोगे, सवाल चीजें ऐसी हो तो कहीं भी निकाल सको, ये हो समझना कि कहना क्या चाह रहा है, तो हमने रट्टा मारा क्या सब बारहवीं क्लास वालों को रटवाया जा रहा है कि अक्षय स्थिति में और निरक्ष स्थिति में द्वितीय स्थिरता, ये ब्रह्म तीन नंबर का चलो रट लो, अब कहीं भी निकाल लो, फिर कैसे निकाल लोगे, फिर ऐसी आत्मदुखी हो जाएगी, नोट करो सर, अभी तो हमने तो पढ़ लिया ही सबको बता रहा है, अगर किसी बच्चे से बैठ कर पूछने लगा ना, चलो बताओ व्यापक स्थिति में द्वितीय स्थिरता क्या सूत्र, अक्षय वाला सब रख कर रखागा, निरक्ष वाला सब रख कर रखागा, ठीक, और कहने लगे चल एक काम कर, अभी तो तेने निकाला है 180 डिग्री कोण पर, 180 डिग्री की हम 0 डिग्री कोण कह सकते हैं, बीच में कोई कोण नहीं है, सही बात है, 180 डिग्री को जो कोण पर निकालना है ना, 180 डिग्री कोण पर निकालना है ना, 90 पर निकालना है, अगर 180 डिग्री कोण पर निकाल लें विद्युत क्षेत्र तीव्रता तो वह तो अक्षय स्थिति कहलागी, अगर 90 डिग्री कोण पर निकाल लें विद्युत तीव्रता
वह निरक्ष स्थिति कहला गई। और ये दोनों सूत्र हम रट कर रख। अब सवाल है, हम अपनी कभी समझ नहीं बढ़ा पाते। समझ नहीं बात, या समझ क्यों नहीं बढ़ा पाते, समझ लो ध्यान से। सवाल कि व्यापक स्थिति में क्या होगी, नोट है मेरा स्पेशल नोट, कि व्यापक स्थिति में विद्युत स्थितिता क्या होगी। व्यापक स्थिति, व्यापक में कहीं भी, यहाँ निकाल लो, यहाँ निकाल लो, यहाँ निकाल लो, यहाँ निकाल लो, कहीं भी निकाल लो उसको। अभी तो यहाँ ना बैठने भाई, पहले यहाँ 180 था, सही बात है। हो सकता है मैं यहाँ ले लूँ, हो सकता है मैं यहाँ ले लूँ बिंदु, वो हो सकता है यहाँ ले लूँ। व्यापक स्थिति, व्यापक स्थिति में विद्युत अक्षेत्र की तीव्रता, तो व्यापक स्थिति में विद्युत अक्षेत्रता कैसे ज्ञात करोगे, समझ लो। ये हमारा विद्युत ध्रुव, प्लस क्यों आवेश मान लो, माइनस क्यों आवेश मान लो, बिंदु ओ मान लो, यहाँ तक की दूरी एल मान लो, यहाँ तक की दूरी एल मान लो। बताओ क्या ज्ञात करना चाहिए, यहाँ 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 कहाँ, मन मर्जी। मान लो तुम यहाँ ज्ञात करना, ये बिंदु पी यहाँ ले लिया तुमने, और यहाँ तक का कोण मुझे नहीं पता, कुछ भी हो सकता, थीटा मान लिया मैंने, कहीं भी ज्ञात करना हो, यहाँ 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 चार चार उधर कहीं भी। अब बताओ विद्युत अक्षेत्रता कितनी होगी, इसे बताना बड़ी कठिनाई पैदा कर देगा, इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं है। जितना भी विद्युत अक्षेत्रता पढ़ रहा है ना, अक्षय और निरक्षय स्थिति में सब रट्टा मारो फिर रहा है, उसे पता ही नहीं क्या है वो अक्षय निरक्षय क्या। अक्षय का मतलब 180 डिग्री कोण पर, निरक्षय मतलब ना बैठे हुए कोण पर, और सब टीचर पढ़ा रहा है इस तरह, इतनी सूक्ष्म जानकारी है किसी को, तो कहीं भी निकालने तो कैसे निकाल लेंगे। अब कहीं भी कैसे निकाल लेंगे, तो उसके लिए मैं सूत्र सिद्ध करवा सकूँ, सूत्र सिद्ध करवा सकूँ, लेकिन वो बोर्ड बोर्ड हमारे बोर्ड के सिलेबस से बाहर रहो, सही बात है, वो हमारे बोर्ड के सिलेबस से बाहर है। लेकिन व्यापक स्थिति में बिंदु पी पर ज्ञात करनी हो तो मैं सूत्र बता रहा हूँ, वो सूत्र सिद्ध करके आगा क्या, वो सूत्र याद कर लेना, बड़े काम का ये सूत्र भी उससे बन जाएगा, ये वाला भी, और जो पिछले वाले निरक्ष वाला बनाया था, अक्षय वाला बनाया था ना, जहाँ टू पी आ रहा था, वो भी स्थिर बन जाएगा, जिस वाले थे व्यापक वाले थे, देखो कैसे बन जाएगा सूत्र। ई बराबर व्यापक स्थिति में ई बराबर 1/4π0 इंटू पी अपोन आर की क्यूब रूट 1+ कोस स्क्वायर, कोस की क्यूब थीटा, कोस की क्यूब थीटा, ये सूत्र कोस स्क्वायर थीटा, 3 cos² θ, 3 cos² θ, ये सूत्र व्यापक स्थिति में कहीं भी निकालना, यहाँ निकालना, मान लो 30 डिग्री कोण पर निकालना है 30 रख देंगे, मान लो तुमने 45 डिग्री कोण पर निकालना 45 रख देंगे, मान लो तुम 720 डिग्री कोण पर निकालना 720 डिग्री रख देंगे, मान लो तुम 22.5 डिग्री कोण पर निकालना या 22.5 डिग्री रख देंगे। जैसे सवाल पूछा सर बना लो पेपर में, बच्चे से ये पढ़ गया अक्षय निरक्षय वाला, जब कंपटीशन में सवाल आओ पता क्या पूछो, पता क्या पूछो, तुम पूछो 22.5 डिग्री कोण पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। अब उनका दिमाग गया साला 22.5 डिग्री कोण पर, ये क्या सवाल था, IIT में नीट में ऐसे सवाल पूछो, पढ़ के तो हम गए थे अक्षय निरक्षय वाला, अक्षय निरक्षय का नाम निशान भी जाता, हाँ सही बात। फिर पूछो 22.5 डिग्री कोण पर, अब बच्चे को कोस 22.5 का मान ही बताना चाहिए, वो कैसे निकाल ले, इतने जटिल सवाल पूछ IIT JEE में और जो दूसरे बड़े बड़े एग्जाम ऐसे सवाल पूछ। मुझे 45 डिग्री कोण पर तो छोटा पेपर होगा, अगर पूछे 22.5 डिग्री कोण पर उसे बताना 22.5 डिग्री का मान निकाल नहीं सकता, 22.5 डिग्री का मान निकलवाना चाह रहा था, और दूसरा बच्चा देख वैसे प्राण छोड़ देगा कि पूछना क्या चाह रहा। अब जिसका कंसेप्ट क्लियर होगा समझ जाएगा कौन से कितने डिग्री कोण पर पूछ रहा है, तुम तो पूछा ना 35 डिग्री कोण पर, तो यहाँ कोस 35 रख दो, फिर कोस 35 का मान निकालना चाहिए, वो तुम कक्षा 11 में सिखाया जाए, तो सारा कंसेप्ट एक साथ यूज करवाओ, इसलिए क्या पीछे सारा बेसिक सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, जब जाकर हम कंपटीशन बैठा लाइक हमें कोई मनाता ही नहीं, हम तो वहाँ स्कूल में जो तैयार कर रहे हैं ना, हमारी जो स्कूल की गुणवत्ता इतनी खराब है, वहाँ स्कूल के लिए तैयार कर रहा है, सिर्फ NCERT का सिलेबस पढ़ा, उस त्यौहार उन्होंने कभी सोच देने के नहीं कि 12वीं पास कर लो और बेरोजगारी फैक्ट्री में चले जाओ, समझ में आई बात है। तो अगर तुम बड़ी तैयारी करना चाहो तो कर सको, यहाँ कितनी है बड़ी तैयारी, मेरे से पढ़ने के बावजूद अगर बड़ी तैयारी करना चाहो तो आराम से कर सको, IIT करनी है IIT करो, NDA करनी है NDA करो, JEE करनी JEE करो, ISC करनी है ISC करो, PCSE करनी है PCSE करो, मेरे से पढ़ने के बावजूद क्यों, सिलेबस पूरी तरह कंसेप्ट क्लियर कर दूँ, समझ में आया बात है, पता लग गया क्या है, जो व्यापक स्थिति में विद्युत क्षेत्रीय का सूत्र किसी विद्युत ध्रुव के कारण न व्यापक स्थिति में, व्यापक का मतलब कहीं भी जनरल फॉर्म जनरल पोजिशन में, अभी तो हम अक्षय निरक्षय में निकाल लेते, जनरल पोजिशन में कहीं भी निकालना हो कितने डिग्री कोण पर, ये विद्युत क्षेत्रीयता का सूत्र। अब तुम कह रहे कि वाला बना के दिखाओ, अभी तो हमने निकालना 90 कोण पर, अगर मैं 90 रख दूँ ना, 90 रख दूँ, देखो 90, तो ये वाला इस बिंदु पर बिंदु पी पर ये वाला सूत्र आना चाहिए, नहीं आना चाहिए,
यही आगे देखो क्वेश्चन में हमने बैग दिया, क्वेश्चन भगवान कितना हो जीरो, जीरो में एक जोड़ेंगे तो बैठेगा एक, और एक करोड़ क्या बैठेगा एक, एक लिखो ही ना तो मैं ही नहीं बैठेगा पी ए पुनर ही क्यों, ये नहीं बैठा देखो पी ए पुनर ही क्यों, ये सूत्र नहीं बन जाते। अब कोस एक्स अस्सी वाला करोगे, कोस एक्स अस्सी यहाँ हम कोस एक्स अस्सी रखेंगे, कोस एक्स अस्सी का मान कितना हो माइनस के वन, और माइनस के वन का स्क्वायर करेंगे प्लस का वन, और प्लस के वन हम जोड़ेंगे तीन, तीन एक जोड़ेंगे चार, और चार का रूट क्या हो दो, तो दो अस्सी गुणा जाएगी दो पी, और दो पी पुनर की क्यों अक्षी वाला विस्तृत बढ़ने समझने की बात है, तो अपने समझ बनना नहीं पड़ता, नहीं तो तुम यहाँ बैठे हुए ट्यूशन पढ़ने का खातर। चलो नोट कर लो सभी, इसे हटा दूं, चार बार प्रैक्टिस करनी है इसकी, कितनी बार प्रैक्टिस करनी है इसकी, चार बल्कि पांच बार प्रैक्टिस करनी है इसकी, आना जाए कल कॉपी चेक करूंगा। अब सवाल खास देखो इंपॉर्टेंट बात, अभी हमने पढ़ लिया स्पेशल नोट, स्पेशल नोट समझो। अब स्पेशल नोट क्या भाई, ये हमारे साथ फॉर्मूला ई बराबर वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर के क्यूब रूट वन प्लस के थ्री कोस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में अगर तुम थीटा का मान न भरक दो तो नाम तो ये सूत्र जाएगा, वही निकलेगा जाएगा पक्का। देखो ना पहला क्या दिक्कत हो रही, ई लिखा निरक्ष स्थिति हो गया, थीटा का मान कितना होगा नब्बे, तो यहाँ लिखा ई उसके सापेक्ष में लेना निरक्ष से, चलो वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपॉन आर के क्यूब रूट वन प्लस के थ्री कोस स्क्वायर नब्बे, और कोस नब्बे का मान कितना हो जीरो, कोस नब्बे का मान कितना हो जीरो, जब कोस नब्बे का मान जीरो, जब यहाँ रखेंगे जीरो तो सारा का सारा क्या बन जाएगा जीरो, जीरो बन जाएगा यहाँ तक का जीरो, जीरो में एक जोड़ेंगे तो बैठेगा एक, एक का रूट क्या हो एक, तो ई निरक्ष से बराबर वही सूत्र आ जाएगा बराबर वन अपॉन फोर पता और फोर पाई इंटू पी अपॉन कितना बैठेगा आर की क्यू, ये सूत्र नहीं आएगा। अगर मुझे निकालना हो इसकी जगह दूसरा, अगर मुझे निकालना इस मान हो यदि थीटा का मान कितना रख दिया 180 रख देंगे तो पूरा वही बात नहीं बैठ जाएगी, इसके बीच में देखो ई अक्ष से बराबर वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपॉन आर के क्यूब रूट वन प्लस के थ्री कोस स्क्वायर 180, और जो कोस 180 हो ना इसका मान याद कर लियो आज, तो कोस 180 का मान माइनस के वन बहुत जगह यूज होगा इसका मान, कोस 180 का मान, तो ई निरक्ष से बराबर अक्ष से बराबर ई अक्ष से बराबर बराबर वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर की क्यूब यहाँ क्या बैठेगा वन प्लस इत कोस 180 मान हो माइनस के वन, अब माइनस के वन का स्क्वायर करेंगे प्लस वन बन जाएगा तो तीन आ जाएगा, अब प्लस वन बन जाएगा वन की तीन गुणा करना तीन आ जाएगा, तो तीन में जोड़ेंगे तो बैठेगा चार ई अक्षय अक्षय बराबर वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर की क्यू, अब तीन और एक चार, और चार का रूट कितना हो दो, और दो की पी में गुणा कर देंगे दो पी आ जाएगा, और वही सूत्र नहीं आएगा, ये अक्षय स्थिति में था निरक्ष स्थिति में, इसे कहें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, सही बात यार, यू कैन इजली डेवलप अंडरस्टैंडिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के जरिए हम अपने अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं, इतना नहीं मालूम किसी को ना इतना को लिखवाने का, बात समझिए। अब सवाल यो यहीं तक नहीं छोड़ती बात, सवाल यो कि यार मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, विद्युत अस्थिरता हमने निकाल ली, हाँ विद्युत अस्थिरता कैसी राशि, उस विद्युत अस्थिरता जब सदिश राशि सदिश राशियों में क्या हो दिशा, जब सदिश राशियों में दिशा हो तो इसकी दिशा होगी कहाँ, इसकी दिशा कहाँ सी, दिशा कैसे निकाल लेंगे, लिखिए मान लो 45 डिग्री कोण पर उसकी दिशा कैसे निकाल लोगे, दिशा निकालने के हमें पता लग गया विद्युत अस्थिरता का मान निकाल लिया हमने, निकल गया अक्ष में दिशा कहाँ होगी,
जिसे कैसे निकाल लोगे, ये तो अक्षम निकाल लिया, निरक्षम निकाल लिया। अगर हम 45° कोण पर निकाल रहे, 45° कोण पर निकाले उसकी दिशा कहाँ होगी, अगर 46° कोण पर निकाले उसकी दिशा कहाँ होगी। अब इसे दिशा निकालने के लिए भी मैं कल को बताऊंगा तुम्हें कि दिशा कैसे निकालते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कैसे निकालते हैं, क्योंकि वो सदिश राशि है और सदिश राशि में दिशा हो, और दिशा निकालने के लिए भी कल बताऊंगा, कल की क्लास में तुम समझ में आए बात, या यहाँ तक नोट करो सारा।